लगा, अभी तो जानता कहाँ है। देखिए गाइस, ये मेरी दीदी हैं, धान काट रही हैं, ये बब्बा हैं और ये दीदी और ये चच्चू लोग हैं। देखिए एक चच्चू तो बात करने में लगे हुए हैं और चच्चू ये काट रहे हैं, ये भी चच्चू। और मेरा भाई एक दाढ़ भी खाया जा रहा, बड़े वाले भाई। हाँ देख लीजिए, पहले चाहे बतिया ले चाहे धान काट ले, वो तो हेलो हेलो करे बैठा है। हाँ देख लीजिए, धान काटने का उसका वही नहीं है, एकदम स्लो स्लो। आप लोग भी आ जाओ, थोड़ी बहुत हेल्प करा लो हमारे भाई लोगों का, कम से कम बहुत ज़्यादा है, महीने भर लग जाए शायद काटे में। कम सही बोली ना मन। हाँ दिखा दो कितना सारा काटना है अभी। देख लीजिए कितना सारा अभी काटना है, वहाँ खम्भे से उस खम्भे से यहाँ तक का पूरा इतना है, पूरा काटना पड़ेगा, बहुत समय लग जाता है, महीने लग जाते हैं, पूरा हाथ दर्द करने लगा, हाथ से पूरा काटना पड़ता है, हाथ से काटेंगे हम, मशीन नहीं बुलवाते ना अंशु। हाँ मशीन, ये क्या बोलते हैं अमन, पूरा कटवाना काटना पड़ेगा हाथ से। देख लीजिए हम अपना महंगा से हैं, अपने मशीन नहीं बुलवाते, हम इतने अमीर खानदान के नहीं हैं। मशीन से कटवाने से भैंस गोरु गाय हैं तो उन्हें भी पियरा खा, पियरा नहीं खाना खाने को पूछता, फिर अगर मशीन से कटवाते इसी हाथ से काटते हैं तो हाथ हाथ से काटते हैं तो यह निकल आता है, इसलिए आप यहाँ देख लीजिए खराब भी है। हाँ इसलिए हाथ से काटते हैं, थ्रेसर से हार्वेस्टर से नहीं कटवाते। हाँ मेरा भाई सूरत में रहता है, मेरे लिए कुछ लेके नहीं आया, हाथ झुला के चला आया, झूठ बोल रहा है कि मेरे लिए कपड़ा लाया है। जिंदगी में ना 10 रुपया ना दिया होगा हाथ में, छह दिन पाँच रुपये, 4 रुपये छह 4 रुपये दिए, 4 रुपये अपना ले लेते।